हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विद्युत कुमार महतो। आप अगर मुझे पहले से ही जानते हैं तो बहुत बहुत थैंक्स। और गाइस, आप अगर मेरे चैनल पे नया नया जुड़े हो तो आपको तहे दिल से भरे दिल से वेलकम है हमारे चैनल पर। तो साथियों, आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस आप लोगों ने एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को आप लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने यार कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से गाइस मैं यूट्यूब पर ग्रो करूँगा और इस तरह से मेरे सब्सक्राइबर आएंगे और इस तरह से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तो जिस तरह से दोस्तों आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ साथियों फ्यूचर में भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। तो यार, जो भी बंदा मुझे दिल से सपोर्ट करता है उन सभी को भरे दिल से तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो यार, आप मेरे स्टार्टिंग में जिस क्लिप को देखे आज दोस्तों, मैं आपको कुछ इसी प्रकार का एक वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि पहाड़ी वाला ब्लॉग्स भाई का जो यूट्यूब चैनल है उस पर देखा है कि वो भाई अपना जो ब्लॉग के अंदर इस तरह का एडिटिंग यूज़ करते हैं। तो साथियों, आपको भी अगर सीखना है कि इस तरह का वीडियो कैसे एडिट करना है, तो गाइस आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका अपना जो फ़ोन है किसी एक जगह पर आप रखिएगा। उसके बाद स्टार्टिंग में आप यहाँ पर नॉर्मल सा कुछ एक ड्रेस पहन के, मतलब जो फ़ोन है फ़ोन के आगे तरफ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ अपना जो ड्रेस उसको चेंज करना है। देन गाइस आपको किसी और लोकेशन में जाके आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से अलग अलग आप यहाँ पर पोज दिखा एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। मैं गाइस यहां पर जिस प्रकार से आपको वीडियो शूट करके दिखा रहा हूं, सेम टू सेम गाइस आप यहां पर इस तरह से एक वीडियो को शूट कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी साथियों, बिना किसी देरी के चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेकर चलता हूं, देन आपको वहां पर दिखाता हूं किस प्रकार से गाइस आपको यहां पर वीडियो को एडिट करना है। साथियों, सबसे पहले आपको यहां पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना होगा। जिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में दोस्तों आप बताना चाह रहे हो, मेरे कंडीशन में मैं अपने YouTube चैनल के बारे में बताया हूँ, सो गाइस उसका मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है। इसके बाद गाइस आपको एडिटिंग के लिए काइनमास्टर का ओपन करना होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काइनमास्टर के अंदर मेरे जितने सारे फाइल्स थे उनको गाइस यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके रखा है। देख सकते हैं यहाँ पर एक एक फाइल को गाइस मैंने यहाँ पर अच्छे तरह से एडजस्ट कर लिया है। तो दोस्तों, आपको भी अपना वीडियो को कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी है। तो पहले आप मेरे यहाँ पर जो एडजस्ट किया हुआ फाइल उसको आप देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फाइल सब मेरा एडजस्ट है। अब गाइस आपको यहाँ पर बैक करके बाहर आना होगा, क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट करके यहाँ पर जो फर्स्ट फोल्डर है इमेज एसएस वाला, इस वाले फोल्डर को आपको यहाँ ओपन करना होगा। देन गाइस यहाँ पर आप एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिएगा। अब गाइस ये जो बैकग्राउंड है इसका गाइस कलर आपको यहाँ पे ग्रीन बनाना है, तो कुछ इस प्रकार से ग्रीन आप इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। देन इसका जो ड्यूरेशन है गाइस आप यहाँ पे अंदाजे में बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना होगा, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी दोस्तों आप अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देख सकते हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है यहाँ पर मेरा टाइमलाइन में आ चुका है। अभी आपको अपने वीडियो का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पर म्यूट कीजिएगा। देन गाइस जितना दूर तक आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है गाइस ऊपर का जो बैकग्राउंड है उसका वीडियो उसको उतना ही रख के बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ पर हटा दीजिएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, इसके स्टोर का आप ओपन कीजिएगा। यहाँ पर गाइस ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा आप इस पर क्लिक करके ये जो इफेक्ट है आपको इसको इंस्टॉल करना ही है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप यहां पे इसको एक नंबर वाला सेलेक्ट कीजिएगा और कुछ इस प्रकार से पहले आप इसको फुल स्क्रीन में आप यहां पे कीजिएगा। देन इसका जो ड्यूरेशन है गाइस आपको यहां पे लास्ट तक करना है। अब गाइस इसको आपको अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको टेढ़ा करना होगा, उसके लिए गाइस आप यहां पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाइएगा। देन जो एक्स है इसको आप कुछ इस टाइप से इस साइड में आप इसको यहाँ पर कर दीजिएगा। जैसे गाइस आप यहाँ पर करोगे कुछ इस तरह से देख सकते टेढ़ा हो रहा है, तो गाइस आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसको आप यहाँ पर टेढ़ा कीजिएगा। देन गाइस यहाँ पर मेरा थोड़ा बाहर चला जा रहा है, ठीक है क्लिप, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है जस्ट इतना मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों वापस से यहाँ पे इफेक्ट में क्लिक करूँगा, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपको नीचे तरफ में आना होगा। देन जो बैकग्राउंड कलर है आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना होगा। देन आप यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह से गाइस आपका जो स्क्रीन यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अभी आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर 1080p 60fps में अपना वीडियो को यहाँ पर एक बार सेव कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो वीडियो यहां पर मेरा गैलरी में सेव हो चुका है। अब दोस्तों वापस से यहां से बाहर आना होगा। देन गाइस जो वीडियो आपने अभी अभी बनाया हो देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया रॉ फाइल्स, इन सारे फाइल्स को गाइस मैंने सिलेक्ट किया है उस वाले प्रोजेक्ट में यहां पर वापस से आ जाता हूं। अभी दोस्तों आपको इन सारे क्लिप्स को आपको स्लो मोशन में करना है, स्पीड में जाके आप यहां पर 0.5 आप यहां पर कर दीजिएगा सारे क्लिप्स को। करने के बाद दोस्तों वीडियो को अभी आपको प्ले करना है, मतलब एंडिंग में जाके आप यहाँ पर प्ले कीजिएगा।
देन गाइस जहां से आप इशारा कर रहे हो टेक्स्ट सॉरी इसकी रिकॉर्डिंग को आने का उस वाले पार्ट में आपको यहां पर आना होगा। यहां पर गाइस आप लेयर पर क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो वीडियो बनाया होगा फर्स्ट में ही दिखेगा उसको आपको यहां पर अभी सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद कुछ इस टाइप से इसको आपको यहां पर अपना जो फेस के सामने यहां पर इस प्रकार से बीचों बीच में आप यहां पर ले आइएगा। लाने के बाद गाइस अभी आपको यहां पे राइट साइड में देखोगे तो अगर आपको यहां पर एक क्रोमाकी का ऑप्शन दिखेगा, आपको गाइस यहां पे क्रोमाकी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आपको इनेबल कर देना है। देख सकते हैं गाइस यहां पे ग्रीन स्क्रीन जो है हट चुका है। अभी कुछ इस प्रकार से जहां तक अपना हाथ को कुछ इस टाइप से ऊपर तरफ इतना में ला रहे हो इस वाले पार्ट में आपको इतना दूर में आना होगा। यहाँ पर आप केवल की में क्लिक कीजिएगा, प्लस का मार्क सेलेक्ट करना होगा इस जगह पर, ठीक है। अभी आप कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ में आइएगा, इसको आपको सीधा सीधा आपको यहाँ पे नीचे तरफ में आप इसको यहाँ पर ले आइएगा कुछ इस प्रकार से। लाने के बाद दोस्तों इस जगह से मैं अपना एक इफेक्ट दिखाऊं, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जैसे हाथ को मैंने ऊपर किया कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। तो साथियों यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों बारी है ऑडियो को आपको यहाँ पर ऐड करने का, उसके लिए गाइस आप यहाँ पर इस वाले रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आप अपना जो ऑडियो इसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं अपना जो ऑडियो पहले उसको वॉइस ओवर करके रखा हूँ जिसको दोस्तों मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, देन गाइस जो मेरा वॉइस ओवर है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस प्रकार से। करने के बाद दोस्तों आपको अपना जो वॉइस है इसको आपको यहाँ पर गूंजने वाला जैसा बनाना है। उसके लिए दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर गाइस आपको इस वाले ऑप्शन को बस सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी ऐड करना होगा जो कि दोस्तों हमेशा पहाड़ी वाला ब्लॉग्स भाई का रहता है। आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जो ये ऑडियो है इसको आपको सेट करना है और कुछ इस प्रकार से इसको आपको यहाँ पर ऑन कीजिएगा। देन आप ये जो वॉल्यूम है इसको आपको यहाँ पे जस्ट 10% आप यहाँ पर कीजिएगा कुछ इस प्रकार से 10%, ठीक है। मैं यहाँ पर 9% ही रहने देता हूँ, आप 10% कर लीजिएगा। अभी आपको अपना जो वीडियो इसको सिनेमेटिक बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक फ्रेम को डालना है, उसके लिए आप यहाँ पर लेयर पर क्लिक कीजिएगा। स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाके आपको इसके स्टोर को ओपन करना होगा। फ्रेम्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर जाके नीचे में अगर आप यहाँ पर आओगे तो सिनेमेटिक फ्रेम्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपको दोस्तों इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। देन गाइस आप यहां पे इसको ओपन करके जो भी आपको फ्रेम अच्छा लगता है उस वाले फ्रेम को सेलेक्ट करके इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों आपको यहां पे लास्ट तक कर देना है। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहां पर पूरा तरीके से रेडी हो चुका है। अब अगर मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से वीडियो दिखेगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइस आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस प्रकार का वीडियो आप बना सकते हो। बाकी साथियों आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ पे शेयर का ऑप्शन देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप 1080p रखिएगा और 60fps में अपना वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो साथियों उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो वीडियो का ट्यूटोरियल आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी साथियों आपको इस वीडियो से कुछ भी सवाल या फिर सुझाव हो तो बेझिझक आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक खास बात साथियों अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।